असलम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर बिलाल और आज वेलकम करता हूँ आपको क्लास नंबर 5 के अंदर ऑटो कैड की। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम जो है ना यूनर सेटअप हम कैसे कर सकते हैं और कुछ हमने टूल्स वगैरह भी देखे थे, तो आज हम उसी क्लास को लेके हम आगे चलेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में यूनर सेटअप किया था, तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट ड्राइंग। और एक और चीज़ बताता चलूँ, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था यूनर सेटअप, अब हम उसी यूनिट सेटअप को आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने जो यूनिट सेटअप करना, तो हमने हर एक फाइल के लिए नए सिरे से करना होता है, यानी कि आज आपने कर दिया तो अगली क्लास में यानी अगले पेज के ऊपर भी आपको यानी वही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नई जो ड्राइंग बनाएंगे अगर आपने सेव नहीं की हुई तो आपको दोबारा से यूनिट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जो काम करेंगे उसको मैं सेव करूँगा प्रॉपरली, ताकि हमें रोज़ाना यूनिट सेटअप नहीं करना पड़े। तो आज मैं फिर से जल्दी से कर रहा हूँ यूनिट सेटअप जो हमने पिछली क्लास में किया था, तो अब आज मैं दोबारा से करूँगा यूनिट सेटअप आपके सामने। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूँगा ताकि टाइम सेव हो जाए। और उससे पहले आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी नई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं जल्दी से, मैं नोटिफिकेशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसका सेटअप, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमवी सेटअप और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं एमवी सेटअप को नीचे ऑन, यहाँ से अनेबल पेपर स्पेस में इसको करता हूँ नो, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं आर्किटेक्चर, उसके बाद हम यहाँ पे प्रीसीन सेट करते हैं 96, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे पेपर का साइज इंटर, यहाँ पे 8.29 था, यहाँ पे इंटर करता हूँ विड, उसके बाद 11.69 थी हमारे पास हाइट उसकी, A4 हमने रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटर किया, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ग्रिड्स को ऑफ करता हूँ, उसके बाद हमने मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक्टिव करना है, यानी डेली एंटर करेंगे मॉडिफाई में चले जाएंगे और मॉडिफाई में जाके हमने बाकी की जो हमने सेटिंग करनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 0.1 करता हूँ इसको, और इसको भी हम करते हैं 0.1, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 0.1, इधर भी हम करते हैं 0.1, और इस तरह हम चले जाते हैं सिंबल एंड एरोज में, और उसके अंदर जाके एरो सेक्शन करते हैं यहाँ पे 6 इंचेस, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हैं 0.1, और उसके बाद हम चले जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम करते हैं टाइम न्यू रोमन, मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया था यहाँ पे, मैं टाइम न्यू रोमन करता हूँ, रेगुलर की जगह यहाँ पे हम करते हैं बोल्ड, उसको करते हैं अप्लाई एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट के हाइट हम यहाँ पे रखेंगे 12 इंचेस, उसके बाद हम करते हैं फिट के अंदर जाके टेक्स्ट कर देंगे, और उसके बाद हम कर देंगे प्राइमरी यूनिट यहाँ पे, इसके अंदर हमने आर्किटेक्चर रखना है, और जहाँ पे हमने अपना फैक्टर स्केल रखना है, प्रिसीजन स्केल 8 रखना है, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा काम, कहते हैं हम उसके बाद मैं यहाँ पे ई लेके इरेज करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नहीं मैं ख़त्म करना चाहता, अभी फिलहाल नहीं, फुल एरिया पर काम करना है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस्केप प्रेस करके मैंने अपनी कमांड को कैंसिल कर दिया। पिछली क्लास में हमने कुछ टूल्स देखे गए, जैसे हमने अर्थो देखा था, पोलर ट्रैकिंग देखा था, उसके अलावा हमने पैन भी देख लिया लास्ट में, हमने इस तरह लाइन टूल भी देख लिया, उसके अलावा हमने डायमेंशन टूल भी देखा था पिछली क्लास में, ठीक है। तो आज हम उसी को थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं हम लाइन टूल लेके, यहाँ पे मैं लाइन की मदद से हम एक लाइन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, उसकी डायमेंशन प्रॉपरली सेट है, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू साइज नहीं दिया, ठीक है। अब एक और यहाँ पे लगाता हूँ, उसको मैं ऐसे ही कोई शेप सी बना देता हूँ, ठीक है। अब एक छोटी सी मैंने आपको चीज़ समझानी, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाई है। अब ज़रा गौर करिएगा कि यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेस किया, लेफ्ट एरो प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रेस करके रिलीज़ कर दिया बटन। अब देखिए तो यहाँ पे इस तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स बन रहा है। अगर ये मैं अगर राइट टू लेफ्ट में जाके करूँ तो देखिए ग्रीन बन गया, अगर इधर मैं चला जाऊँ यानी लेफ्ट टू राइट आ जाऊँ तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, और राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो यहाँ पे ग्रीन बन जाएगा। अब इसमें दोनों में फ़र्क है, अब सर आपने समझने वाली बात है कि यहाँ पे अगर मैं ब्लू वाले पे जाऊँ तो देखिए जैसे मैं इसकी जब तक इस शेप को मैं पूरा सिलेक्ट नहीं करूँगा, ये देखिए हाईलाइट, देखिए थोड़ी सी मैं जैसे ऊपर जाऊँगा थोड़ा सा इसका कलर वाइट हो जाएगा, इस लाइन का कलर थोड़ी हाईलाइट से हो जाएगी, ठीक ऊपर हूँ और जिसमें नीचे जा रहा, देखिए फुल क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़े से इसके ऊपर जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। मैं जब तक इसको पूरा जाके सिलेक्ट नहीं करूँगा, इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर ये नहीं आएगी। अब सर हम नीचे चलते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बटन छोड़ दिया मैंने, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं गया, जब तक ये पूरी लाइन सिलेक्शन में नहीं आएगी तब तक वो हाईलाइट, देखिए जैसे मैंने ये किया, अब ये जो मेरी लाइन पिछली वाली दिख रही है ऊपर वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रही है, जैसे पूरी
सिलेक्शन में आ जाएगी, देखिए हाईलाइट हो गई, इट्स मीन कि ये पूरी सिलेक्ट हो गई है, यानी आधी सिलेक्ट नहीं करता लाइन को। आगे चलते हैं, आप देखें ये पूरी सिलेक्शन में आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक सब पूरा इसका सिलेक्शन में आ गया तो हाईलाइट हो गई। उसके बाद आगे जाते हैं तो देखें पूरा का पूरा हमारा रेक्टेंगल ही सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। अब ये तो कि ब्लू वाला, अगर हम ब्लू वाले से करें, अगर हम ये काम अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ जाके करें तो क्या होगा, आप देखिएगा जरा, जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे टच ही करता जाऊँगा तो देखिए वो लाइन, ये देखें यहाँ पे ये चीज़, ये समझने वाली बात है कि जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखिए जरा सा मैंने टच ही यहाँ पे किया है तो देखिए दोनों लाइन सेलेक्ट जो है आ गई हैं। ऐसे आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा यहाँ पे टच करूँ, देखिए ये साथ अब तीसरी भी सिलेक्ट हो गई। अब सर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये इस जगह पर देखिए साथ में चौथी भी सिलेक्ट हो गई, इट्स मीन कि ये चारों की चारों अभी हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं लाइन्स। तो ये हमारी चीज़ थी बेसिकली, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस था, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन बॉक्स, यानी इन दोनों के दरमियान क्या है डिफरेंस। आज आपको ये भी क्लियर होगा होगा कि यहाँ पे जो मैं देख रहे हैं रोज़, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, क्यों दोनों डिफरेंट हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये पूरी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो बिजनेस सिलेक्शन में आएगा। अगर आप इस तरफ से लगाएंगे तो बेशक आप ज़रा से उसको टच ही कर देंगे, टच ही दे दें तो पूरी की पूरी आपकी शेप इकट्ठी सिलेक्ट हो जाती है, यानी जहाँ तक वो एंड तक जा रही होती है उसको सिलेक्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये तो छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा होगा कि ब्लू और ग्रीन बॉक्स के अंदर यानी दोनों कलर्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम जाते हैं आगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता हमारे पास, यहाँ पे हमने कुछ पेन पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास जूम एक्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए अब होगा क्या कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एक्चुअल साइज पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इतना जूम आउट कर दिया कि हमें वो देख भी नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ऑटोमेटिकली जूम कर देगा हमारी एक्चुअल वर्क के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, यानी हम जितना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें एक्चुअली साइज जूम करके वहाँ पर ले आएगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। यानी हमें इस फॉर एग्जांपल अभी काम कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमारा बटन प्रेस हो जाता है कि हमारा जो ड्राइंग है वो हमें दिखना यानी ख़त्म हो जाती है, हमें नहीं दिख रही होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर देंगे जूम एक्सटेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो जहाँ भी आपकी ड्राइंग बड़ी होगी एक्चुअली जाके उसके ऊपर जूम इन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रेस करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे छोटा सा एरो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है जूम विंडो। अब इसका क्या काम है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा कि आप जहाँ पे भी इस जूम विंडो को यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ और मैं जस्ट इतना सा एरिया जस्ट देखना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे जैसे रिलीज करता जाऊँगा तो देखिए उस जगह पर आके जूम कर दिया इसने। फिर से अगर हमने उसी टूल को एक्टिव करना है तो आपको बताया कि जो भी कमांड हमने यूज़ किया उसको प्रीवियस कमांड को एक्टिव करना, स्पेस बटन प्रेस करेंगे क्योंकि तो प्रीवियस कमांड एक्टिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा, देखिए जूम इन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है जूम विंडो, अब इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ फिर से और इसको दोबारा से लेते हैं, यानी इसको मैं कैंसिल करता हूँ जो हमने प्रीवियस कमांड एक्टिव की थी। तो यहाँ पे मैं एरो को प्रेस करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहे जूम प्रीवियस, ये मैं क्लिक करूँगा, जैसे जैसे हमने यूज़ किया था यहाँ पे आप क्लिक करते जाएँ तो जूम प्रीवियस वो पीछे पीछे चलता जाएगा, एक स्टेप पीछे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जूम प्रीवियस का काम है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जूम रियल टाइम, यानी हम जिसके ऊपर जूम करना चाहते हैं, देखिए हमें आप जूम ऊपर की तरफ करूँ, यानी अब मैं लेफ्ट बटन प्रेस किया और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देखिए जूम इन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा हूँ जूम आउट हो रहा है। ये है ये हमारा जूम इन रियल और जूम आउट रियल, ठीक है। यानी बटन को प्रेस किया, अब मैंने रिलीज़ कर दिया बटन, देखिए ख़त्म हो गया वो साथ में प्लस माइनस एरो, तो मैंने प्रेस किया दोबारा से, देखिए जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, यानी आगे मूव कर रहा हूँ एरो को, यानी मैं उसको आगे मूव कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, बैक मूव कर रहा हूँ जूम आउट हो रहा है, पर साथ मैंने लेफ्ट बटन प्रेस भी प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बैक स्पेस यानी स्केप प्रेस करूँगा तो वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह हम आ जाते हैं आगे, इसके अंदर जाते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जूम आल, यानी आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे उसके ऊपर जाके जूम हो जाएगा, ठीक है। तो जूम आल यानी इसके अंदर सारे के सारे कमांड्स हमारी जूम वाली ही हैं, जूम स्केल और जूम ऑब्जेक्ट और जूम आउट जूम इन, तमाम वही की सारी हमने यूज़ किए हैं जूम इन जूम आउट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा फंक्शन थे जूम इन जूम आउट के, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नॉर्मल था मैं इसको सेट कर रहा हूँ उसी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऑर्बिट। अब ये जो टूल है ये बेसिकली यूज होता है 3D के अंदर, तो अभी फिलहाल इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये 3D के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी आज की क्लास में हमने बस ये चीज़ें कुछ देखनी थी बेसिक हमारी यहाँ पे रहती थी। उसके बाद आगे जो हमारे पास मूवी वाला आ जाता है, ये भी हम आगे चल के 3D में देखेंगे, कुछ इसमें जो ज़रूरी कमांड्स थी हमने यहाँ पे
डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कि हमने व्यूज़ भी देख लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कमांड बार हमने देख ली है, लाइन टूल भी देख लिया है, डायमेंशन टूल भी देख लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रिड्स को भी ऑन ऑफ करना सीख लिया है, ऑटो भी देख लिए, उसके बाद पोलर ट्रैकिंग भी देख लिए हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट क्लासेज में आज तक जो हमारे टूल्स रहते हैं उनको हम साथ साथ क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह हम जल्द ही आगे स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक सी ड्राइंग। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए पहले आपको थोड़ी सी बेसिक सी टूल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं है कि आप जो कि स्टार्ट कर देंगे पहले से ही, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी सी पहले से कमांड्स और टूल्स को पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी ड्राइंग बनाना चाहें तो आपको कुछ टूल्स और कमांड्स पता हो, ताकि आप कुछ भी ड्रा करना चाहें तो आप इजीली कर सकें। क्योंकि आप इसके अंदर ज़रूरी है, अगर आपने लाइन लगाई तो अब आपको लाइन का साइज़ भी पता होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, डायमेंशन टूल चाहिए। तो इसलिए आपको जो बेसिक टूल अभी हमने यूज़ करने हैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी की जो टूल्स पेंडिंग रह जाएंगे इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे यूज़ करेंगे, जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसके हिसाब से आपको मैं तमाम टूल्स क्लियर करवाता जाऊँगा, ताकि अभी फिलहाल सारे टूल्स नहीं पढ़ूंगा इकट्ठे, ताकि अभी उनका यूज़ नहीं है तो सारे मिक्सअप से हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे यूज़ आएगा उनको फिर साथ साथ देखते जाएंगे। अभी फिलहाल जो हमने टूल्स और कमांड्स देखनी है इंशाल्लाह अभी आपको पढ़ाऊंगा, और इंशाल्लाह एक से दो क्लासेस के अंदर आपको आगे हम देखेंगे प्रॉपरली, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे घर का, और उसके बाद फिर जो कमांड्स रह जाएंगी साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको काफ़ी सारी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, अगर कोई इश्यू हो तो आप फिर भी नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर बिलाल, मिलते